हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट मंथली कोचिंग विद मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है बट एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हो एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। कल से मैंने YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। अब अगर आप मुझसे कलेक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप मेरा YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियोस के थ्रू आपको कलेक्टिवली कोच करूँगी। जितनी जल्दी आप वो ज्वाइन करेंगे, उतनी जल्दी मैं वहाँ पे वीडियोस पोस्ट करना शुरू करूँगी। एकदम आपकी नीड्स स्पेसिफिक वीडियोस होंगे। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिज़ायर्स कॉमेंट्स में कन्वे कर सकते हो एंड मैं आपको वीडियोस के थ्रू एग्जैक्टली गाइड किया करूँगी। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, फर्स्ट। सेकेंड इज़, हम अकेले फील नहीं करेंगे। जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमें लगता है कि सब काम हमें ही करना है, हमारे अलावा इस दुनिया में कोई और सोच ही नहीं रहा इस तरीके से। बट जब हम दूसरों को देखते हैं, हम देख के ज़्यादा सीखते हैं एंड हम जो वो मिस्टेक्स कर चुके होते हैं, वो हम करने से अपने आप को रोक सकते हैं। इसीलिए कलेक्टिव कोचिंग ज़्यादा एफिशिएंट है। आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं कि मेरी ये डिमांड है एंड मेरी ये डिज़ायर है एंड मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू ओवरकम दिस, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड मैं आपको वीडियोस बना बना के YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू कलेक्टिवली कोच करूँगी। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक्निक ढूंढना कि कौन सी टेक्निक हमारे लिए काम करेगी, या फिर किसी वीडियो को देख के स्पेसिफिक नोट्स बनाना कि अच्छा इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, या फिर कोई बुक रीड करना, या फिर किसी का कोई मैनिफेस्टेशन कोर्स खरीदना। आखिर सबसे पहला स्टेप है क्या, एंड ये वो स्टेप है जब तक आप ये कर नहीं लोगे, आई कैन गारंटी यू, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आप बाकी सब कर भी लो, लेकिन फिर भी आप चाहे मैनिफेस्ट कर भी लो, वो चीज़ ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, वो वापस से साइकिल बनता जाएगा, आप उसी पैटर्न में घूमते रहोगे। आप चाहे इस टाइम पे अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम के साथ सब कुछ मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपके पास नहीं टिकेगी एंड इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। सो है क्या आखिर ये फर्स्ट स्टेप है क्या? सबसे पहला स्टेप है वॉट एवर इज इन द पास्ट, लेट इट बी देयर। उसको प्रेजेंट में मत आने दो। हमारा पास्ट क्या था, क्या है हमारा पास्ट, हमने क्या एक्सपीरियंस किया अपने पास्ट में जब हमारे पास कुछ नहीं था जो हमें चाहिए। हमने सैडनेस, हमने एन्जाइटी, कन्फ्यूजन, रिजेंटमेंट, ये सब फील किया और जब हम ये रेगुलरली फील कर रहे थे, ये हमें नॉर्मल लगने लग पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं और हमें बहुत नॉर्मल लगती हैं, जबकि वो नॉर्मल नहीं है। ये हमने रिपीटेड एक्शंस की वजह से अपने आप में नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है। वैसे ही सपोज आप अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, लेकिन आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पे रहे हो एंड आपके एसपी जो हैं वो मतलब ऑन एंड ऑफ आपके साथ होते रहते हैं आफ्टर 3-4 months या 6-7 months या 1 year 2 years एंड आप इस सिचुएशन में फंस गए हो कि मैं क्या करूँ। एंड अब आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मेरा एसपी वापस आ भी जाएगा, हम इवेंचुअली 3-4 महीने के बाद वी विल सेपरेट अगैन। मतलब यू एक्सपेक्ट दिस टू बी नॉर्मल, यू एक्सपेक्ट कि आफ्टर 3-4 months हम वापस से अलग हो जाएंगे। ये मेरे को बहुत सारे मेल्स आए हैं
स्पेशली लड़कियों की तरफ से कि वी एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होता है हर 3-4 महीने में कि हमारा एसपी बदल जाता है, फिर वापस आता है, फिर चला जाता है एंड हम इसी उलझन में उलझे हुए रह जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है वो एक बहुत सिंपल सी चीज़ की वजह से हमारी सिचुएशन में, हमारी लाइफ में आता है। आप इसको ऐसे मत देखो कि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कहीं बाहर से आ रही है। नो, आप इसे ऐसे देखो कि मेरे अंदर जो कन्फ्यूजन चल रहा है, मेरे अंदर जो कन्फ्यूजन चल रहा है वही कन्फ्यूजन मेरे एसपी के साथ रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब आप अपने दिमाग में क्लियर नहीं होते हो कि तुम्हें ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। आप सब लोग बोलेंगे कि हाँ हमें ये पर्सन चाहिए, 60-70% जब भी हम अकेले होते हैं हम सिर्फ इसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास नहीं होते हैं तो कभी कभार हम ये भी सोचते हैं कि कैसे वो नहीं चाहिए हमें। हम रीजंस देने लग पड़ते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। सपोज अगर मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं रिगार्डिंग टू इंटरकास्ट मैरिजेस एंड इंटर रिलीजन मैरिजेस एंड वो मुझे बोलते हैं कि हमें वो इंसान चाहिए, लेकिन उसके साथ ये दिक्कत है, इसकी वजह से हम अपने आप को कहीं ना कहीं वी होल्ड बैक कि नहीं उस पर्सन में ये गलत था, उस पर्सन में वो गलत था, जबकि एक्चुअलिटी में हम अपने बिलीव्स के साथ दिमाग में लड़ रहे होते हैं और वो बिलीव्स हमारे पेरेंट्स की वजह से आते हैं। हमारे पेरेंट्स कहाँ से कंडीशन हुए होते हैं, सोसाइटी की वजह से, कि सोसाइटी ऐसी सोचती है, बचपन से हमारे पेरेंट्स ने वैसा सोचा है एंड वही हमें पास्ड ऑन हुआ है और हम भी उनकी तरह इस चीज़ को अपनाने लग पड़ते हैं कि हमारी सोच ऐसी है, जबकि एक्चुअल में आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, आप बिल्कुल भी कंडीशनड नहीं हुए हो, लेकिन ये थॉट जो है रिपीटेडली अपने आपने अपने दिमाग में या अपने आसपास एनवायरनमेंट में सुना है, इसकी वजह से जैसे हमने सबलिमिनल सुनते हैं तो हमारे साथ चीज़ें होने लग पड़ती हैं ना, वैसे ही आपने कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट में ये चीज़ें सुनी हैं, वो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। इसीलिए आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को फील कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में देख पा रहे हो, बिकॉज वो कन्फ्यूजन जो सोसाइटी, जो पेरेंट्स, जो चाइल्डहुड, मतलब जो पेरेंटिंग की वजह से आता है, जो सोशल स्टिग्मा की वजह से आता है कि अच्छा ये इंटर रिलीजन है, ये इंटर कास्ट है, ऐसी चीज़ों से हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी आपके इशारों पर नाच सकती है इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी, इफ यू रियली वॉन्ट इट टू बी, सोसाइटी आपके इशारों पर नाच सकती है। द थिंग हियर इज कि हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन है कि हमें वो चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, हम उसे खींचते भी हैं और रिपेल भी करते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस होती हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपका पर्सन चाहता भी है अगर आपके साथ रहना, आप सबकॉन्शियसली उससे नेगेटिव मैनिफेस्ट करवा रहे हो अपने लिए, क्योंकि आप इस कन्फ्यूजन में फंसे हुए हो, वो नहीं, आप फंसे हुए। हाँ, दूसरे इंसान में भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं, बट हमारे सामने वो इंसान वही रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम दे रिफ्लेक्ट दैट जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो हम फील कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके कन्फ्यूज्ड हो और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर कन्फ्यूज्ड हियर एंड आपके पर्सन ने सिर्फ उस कन्फ्यूजन को आपके सामने रिफ्लेक्ट किया है। एंड जब वो रिफ्लेक्ट होता है ना, तो हम इतना स्ट्रांगली फील करते हैं कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये हाउ इज इट पॉसिबल। यू गो इन टू दैट स्टेट ऑफ शॉक, वाओ इट्स अ शॉक फॉर मी कि ऐसा हुआ, जबकि आप बचपन से जब छोटी मोटी बातें सुनते आ रहे थे, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सुनने को मिलता है कि उसने ऐसा किया, वो वहाँ इन्वॉल्व था, ऐसे था, वो छोटे छोटे शॉक्स जो हमें मिलते हैं ना कि अच्छा ऐसा भी हुआ, वो हमारे साथ जैसे जैसे हम बड़े हुए वो बढ़ते गए और फिर एक दिन वो अचानक से मैनिफेस्ट हुए थ्रू आर एसपी एंड हम फिर एक बहुत बड़े शॉक में चले गए जिससे हम रिकवर नहीं कर पाते और हम बार बार पास्ट में जीते हैं कि उसने ऐसा किया, वाई शुड आई डू दिस, ही डिड रॉन्ग, उसने गलत किया। बट अगर हम मैनिफेस्टर्स की नज़र से देखें तो इट वॉज ऑल यू, उसने सिर्फ रिफ्लेक्ट किया, उसकी कोई गलती भी नहीं है,
जब हम ये चीज़ को समझ लेते हैं देन वी अंडरस्टैंड कि ओके जो पास्ट में अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया वो सब हमारा माइंड था, जो भी हमने अब्जॉर्ब किया था जाने अनजाने में वो सब हमने वहां से एक्सपीरियंस किया. एंड आई वुड से सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही सबसे ज़्यादा सैड हार्ट ब्रेकनिंग वीडियोस, शॉर्ट्स, फीड्स हमें देखने को मिलते हैं. समबडी इज़ बीटिंग देम, समबडी इज़ किलिंग देयर रेसिपीज, समबडी इज़ चीटिंग ऑन देम, समबडी इज़ अपलोडिंग अ स्टोरी ऑफ सैड लव स्टोरी वेयर बोथ दी एसपीज गॉट सेपरेटेड. आजकल वो भी बड़ा चल रहा है कि इफ़ द डेस्टिनी इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड देन वाई, एंड नीचे आपको शहनाज गिल एंड ऑल के फोटोग्राफ्स वगैरह दिख रहे होंगे. मतलब वो बहुत वो है कि मतलब इट हैज़ बिकम नॉर्मल फॉर अस टू थिंक कि वी जिससे भी हम अटैच होंगे या जिससे भी हम प्यार करेंगे उसके साथ हम रह नहीं पाएंगे. वाई? बिकॉज हमारे आसपास सब ऐसा सोचते हैं, एंड हम भी भीड़ चाल की वजह से वी आर गेटिंग इन टू दैट जोन. एंड उसी चीज़ की वजह से हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, लेकिन वो जाने अनजाने में किया. हमारा कभी इंटेंशन नहीं था, बट यही हम अब्जॉर्ब कर रहे थे एंड वही हमने रिफ्लेक्ट किया अपने एसपी में. सो जब हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि ओके इट वॉज मी जिसने ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मैनिफेस्ट की बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन दैट आई हैड इन माई ब्रेन. सो अब इसको बदला कैसे जा सकता है? आप अपने आप को बोल सकते हो, आप अपने आप को अफर्म कर सकते हो दैट आई डिजर्व टू बी इन अ स्टेबल रिलेशनशिप, आई डिजर्व टू फील सेफ इन अ रिलेशनशिप. हमें सेफ एंड सिक्योर नहीं पड़ लगता है जब हम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं. तो आप अपने आप को बोल सकते हो दैट आई डिजर्व टू बी इन अ स्टेबल रिलेशनशिप, आई डिजर्व टू बी इन अ सेफ रिलेशनशिप, आई डिजर्व टू बी टू फील सिक्योर इन अ रिलेशनशिप विद माई पर्सन हुम आई ट्रूली लव, हु आई ट्रूली लव. एंड ऐसे एफर्मेशंस बोल के मतलब यू आर लिटरली फ्लिपिंग बैक द थॉट्स कि ओके इट इज़ सेफ फॉर मी, मेरे लिए सेफ है कि मैं एक स्टेबल रिलेशनशिप में जा सकूँ, मेरे लिए सेफ है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा एसपी मुझे हेल्प करेगा, मेरे लिए सेफ है कि मेरा एसपी अंडरस्टैंड्स मी, मेरे लिए सेफ है कि मेरा एसपी कभी भी मुझे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ही नहीं जाता बिकॉज वेन एवर वी नीड ईच अदर वी आर देयर फॉर ईच अदर. मतलब यू कैन स्टार्ट टॉकिंग. आई विल नॉट गिव यू एनी एफर्मेशंस रिगार्डिंग दिस क्योंकि हर एक का पैटर्न अलग होता है, ठीक है? हर एक का पैटर्न अलग होता है, हर एक के थॉट्स अलग होते हैं. एंड हाँ, कुछ ऐसे एफर्मेशंस होते हैं जो सबके लिए काम करते हैं, बट आई वुड से एफर्मेशन से भी बेटर एक चीज़ है जो आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड दैट इज स्टोरी टेलिंग टू योरसेल्फ. ठीक है, आप अपने आप को स्टोरी बता सकते हो, जैसे आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा हुआ, वी स्टार्टेड इन 2020, वी स्टार्टेड इन 2019, एंड आप मुझे 4 साल एक्सप्लेन कर सकते हो. तो आप वैसे ही मुझे एक्सप्लेन करो कि कैसे आप इस सिचुएशन में नहीं हो एंड कैसे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल एंड सिक्योर है, एंड कैसे आप फील कर पा रहे हो कि यू आर ट्रूली हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप एंड आपको वो सब मिल गया जो आपको चाहिए था. नाउ हाउ आर यू फीलिंग? उसके ऊपर अपने आप को स्टोरी बताओ. जितना टाइम आपके दिमाग में ये आता है कि अच्छा उसने ऐसा किया था मेरे एसपी ने, टेल योर सेल्फ इट वॉज मी. पूरा बताओ अपने आप को, बार बार एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेन करोगे बार बार, पहली बार आपको हो सकता है आधा घंटा लगे, दूसरी बार आपको 15 मिनट, तीसरी बार 14 मिनट, ऐसे करते करते व्हेन यू विल डू इट फॉर 30th और 40th टाइम आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा टू फ्लिप बैक योर थॉट. ऐसे हम स्टोरी टेलिंग यूज कर सकते हैं. पहले हम बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, करते 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 वी विल नैरो इट डाउन टू वन एफर्मेशन. ऐसे आप अपना पूरा मेंटल प्रोसेस जो है वो चेंज कर सकते हो. एंड यही तरीका है टू दिस इज द थिंग दैट आई डिड, ये मेरे लिए काम करता है. मेरे लिए लेटिंग गो, फॉरगिविंग, सिर्फ बोलना मुझसे नहीं हो पाया. टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ कहना कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया मुझसे कभी हो ही नहीं पाया, बिकॉज आई यूज टू क्राई कि मैं कैसे माफ़ कर दूँ, ही हैज़ डन सो मच टू मी और शी हैज़ डन टू लाइक टू मी, दे हैव डन सो मच, सो हाउ कैन आई फॉरगिव देम. एंड आई यूज टू क्राई व्हेन आई यूज टू से आई फॉरगिव यू. एंड
देन मैंने इसे करना बंद कर दिया बिकॉज जब भी मैं बोलती थी आई यूज टू क्राई. सो आई वाज लाइक दिस इज नॉट वर्किंग, आई हैव टू ट्राई समथिंग एल्स. एंड देन स्टोरी टेलिंग केम इनटू द पिक्चर. स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो आपको मनगढ़ंत कहानियां बनाने की पावर देती है. जो आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जब आप इसे एक प्रैक्टिस बना लेते हो, एक हैबिट बना लेते हो, तब ये आपको पास्ट को बदलने की ताकत दे देती है. मतलब आप पास्ट को छोड़ देते हो पूरी तरह, आप डिटैच्ड हो जाते हो फ्रॉम पास्ट और फ्रॉम फ्यूचर. आप दोनों केसेस में ये एक्सरसाइज यूज कर सकते हो. सो कोई भी टेक्निक स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने से पहले, ये चीज समझ लो कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, वो जाने अनजाने में आपसे हुआ. एंड इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आई नो इट्स हार्ड, लेकिन अपने आप को 1 वीक दो कि आप 1 वीक तक अपने आप को स्टोरी टेलिंग कर सको कि ओके आई फॉरगिव माई सेल्फ कि मैंने पास्ट में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट किए एंड मैं उन लोगों को भी माफ़ करती हूँ जिनके थ्रू मैंने मैनिफेस्ट किए. एंड उसके ऊपर आप अपने आप को स्टोरीज बताओ फॉर एटलीस्ट 1 वीक. इससे क्या होगा, एक तो आप पास्ट को भूलना शुरू कर दोगे. भूलना एज इन आपको याद नहीं आएगा बिल्कुल भी, थोड़ा आ सकता है बट आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी. एंड आफ्टर 1 वीक यू कैन स्टार्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव एंड यू कैन स्टार्ट विद योर टेक्निक. आप एफर्मेशन स्टार्ट कर सकते हो, विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो. इनफैक्ट उस 1 वीक के दौरान आप विजुअलाइजेशन में भी ये सब स्टोरी टेलिंग विजुअलाइज करते हुए भी कर सकते हो. सो वॉट इज द फर्स्ट स्टेप टू मैनिफेस्ट एनीथिंग? दैट इज लेट गो ऑफ द पास्ट. पास्ट को पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट में अपने दिमाग में मत आने दो. क्यों? क्योंकि वो सब आप ही की वजह से हुआ था. सो लेट इट गो. बोलो जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया. सिंपल, मेरे लिए यही काम करता है. अगर आपके लिए कुछ और काम करता है जस्ट कॉमेंट इट डाउन बिलो सो दैट आई विल बी एबल टू शेयर इट विद मोर पीपल. बट मेरे लिए यही काम किया स्टोरी टेलिंग. फॉर लाइक 15 to 20 minutes आई यूज टू स्पीक. मैं अपना फ़ोन पर रिकॉर्डर लगा के आई यूज टू स्पीक कि अच्छा आई फॉरगिव एंड ये मेरी वजह से हुआ था. एंड आई यूज टू से इट इन अ वे कि मुझे हार्टफेल्ट चीज़ें बोलने का मन करता था. मतलब मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती थी, मैं पूरी इमोशंस के साथ उसे बोलती थी. लाइक आई यूज टू फील एवरी वर्ड. एंड वो रिकॉर्डिंग 10-15 minutes की करके वापस से मैं प्ले करती थी और सुनती थी कि अच्छा मैंने ये चीज़ कही, मैंने ये चीज़ कही. एंड इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट टाइम, बट थोड़े टाइम बाद आई वॉज एबल टू लेट गो ऑफ द पास्ट. सो दिस इज हाउ यू गेट आउट ऑफ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप. जस्ट रिमेंबर इट वॉज ऑलवेज यू. सो अगर आप वो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो तो आप पॉजिटिव भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज टेल योर सेल्फ कि हाँ आई डिजर्व दिस. आई डिजर्व कि मेरे पास एक स्टेबल, सिक्योर और एक हैप्पी रिलेशनशिप हो और एक अच्छा पार्टनर हो. आई एम वर्थी ऑफ इट. मेरी वैल्यू है. मैं ऑन एंड ऑफ डिजर्व नहीं करती और ये सब मैंने सोसाइटी की वजह से मैनिफेस्ट किया. मेरी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है या किसी की भी कोई मिस्टेक नहीं है. मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ, मैं आसपास के लोगों को भी माफ़ करती हूँ. आई डिजर्व दिस रिलेशनशिप एंड मैं बहुत जल्दी इसे मैनिफेस्ट कर लूँगी. If you have not started your manifestation, but अगर आपने start कर लिया है तो tell yourself, you can say these things. It's completely fine to say. So that's all for today. I hope इस video से किसी ना किसी को कुछ सीखने को मिला हो, किसी ना किसी की कोई मुश्किल आसान हुई हो and किसी के लिए manifestation and self-development की journey आसान हुई हो. So that's all for today. Keep watching my videos and I will see you in the next episode. Bye. Thank you.